जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में, जहां पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग की श्रृंखला के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में। दरअसल में दोस्तों मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो मैट्रिक्स जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है, यह गणित में भी पढ़ा जाता है, अर्थात इसका अध्ययन हम गणित में भी करते हैं और साथ ही साथ में इसका अध्ययन दोस्तों रीजनिंग में भी किया जाता है। तो दोस्तों हमारी रीजनिंग की श्रृंखला में जहाँ पर हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं डाइस के बारे में, साथ ही साथ में ओपन डाइस, इनइक्वालिटी और कैलेंडर के बारे में, उसी कड़ी में दोस्तों हमारी रीजनिंग की श्रृंखला में अगली वीडियो है मैट्रिक्स या आव्यूह के बारे में। तो आइए दोस्तों हम बिना ही विलंब किए इसे हम समझते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि भाई मैट्रिक्स को आपको ज़्यादा तनाव लेकर के नहीं पढ़ना है, हालांकि जो गणित में पूछा जाता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स या आव्यूह जिसकी चर्चा हम गणित में करते हैं वहाँ बहुत आवश्यक होता है कि भाई बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उन्हें अध्ययन करने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं रीजनिंग में मैट्रिक्स की दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइप्स वगैरह नहीं है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इसे क्या आवश्यकता है कि हम इसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके या विस्तारित रूप में अध्ययन करें। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों मेरी रणनीति यह है कि भाई जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जहाँ से बहुत सारे टाइप्स वगैरह निकलते हैं, अर्थात जिनके हर दो क्वेश्चनों के बाद ऐसे क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं कि भाई वहाँ पर उसकी उसे सॉल्व करने की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है, तो आप वहाँ पर बहुत सारे टाइपों के साथ अध्ययन करें। लेकिन बात जब यह है कि भाई एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर लगभग हर दूसरे सवाल में या लगभग हर सवाल में एक ही प्रक्रिया है, एक ही प्रोसेस है, उसे करने का एक ही अप्रोच है, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती का यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स का अध्ययन करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यह एक वीडियो है जहाँ पर मैं निश्चित तौर पर पूरा आश्वस्त हूँ और मैं यह कह सकता हूँ आपसे कि भाई यह एकमात्र वीडियो देख करके यानी महज 10 मिनट में आपका मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको कहीं पर भी किसी भी जो है वीडियो माध्यम से हो या कहीं पर भी किसी पुस्तक माध्यम से आपको इसे समझने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। बशर्ते आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हें आपको नोट डाउन करना है। और इसके बाद आप बढ़िया से कोई भी पुस्तक उठा करके क्या कर सकते हैं, आप उनका जो है मैट्रिक्स टॉपिक के अंतर्गत बनने वाले सवालों का बढ़िया से सवाल लगाइए और फिर अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, ठीक है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों मैट्रिक्स जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाई हमारा प्रश्न कैसा आने वाला है। तो SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, इन सभी के लिए तो मैट्रिक्स बहुत आवश्यक है ही। साथ ही साथ में आजकल दोस्तों देखने मिल रहा है कि जो मध्य प्रदेश के एग्जाम है या अन्य किसी स्टेट की यदि हम बात करें, है ना, वहाँ के जो एग्जाम है वहाँ पर भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैट्रिक्स का सवाल दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे होंगे, दो खांचे होंगे आपके सामने, ठीक है। दरअसल में दोस्तों इसे क्या कहा जा रहा है, तो यही है आव्यूह, और इसे नाम देते हैं आव्यूह क्रमांक ए। आपके सामने लिखा होगा या तो नीचे लिखा होगा या ऊपर, बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है तो हम साइड में लिख रहे हैं कि भाई ये कौन है हमारा ए और ये कौन सा है आव्यूह बी, या इसे ही 1 और 2 करके दे देगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हम पहले यह चर्चा करते हैं कि आव्यूह है क्या, इसमें कैसी स्थितियां रहती हैं। तो देखिए आप बात को समझिएगा, इसमें दोस्तों टोटल 25-25 जो है प्रकोष्ठ होते हैं, है ना। कितने खांचे हैं दोस्तों, 25-25 खांचे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन खांचों में क्या है ना, इन 25-25 जो ये जगह है, ये जो ब्लॉक है आपके, इनमें क्या भरा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो इनमें आप देखेंगे कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला जो है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके जो अक्षर वगैरह हैं वो हमें देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि इसकी जो प्रथम पंक्ति है, सबसे ऊपर वाली है ना पंक्ति को ले लें या स्तंभ को ले लें, पहले स्तंभ को, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर अंक भरे हुए हैं। अर्थात क्या बोल सकते हैं हम कि पंक्तियाँ और स्तंभ समान संख्या से क्रमांकित होते हैं, समान संख्या, एक संख्या दी होगी और वह संख्या कैसी होगी, समान होगी। देखिए बात को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपसे, हालांकि दोस्तों कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी आपका सवाल बन जाएगा, बढ़िया से आप सवाल लगा ले जाएंगे। लेकिन अब चूंकि बात यह है कि भाई समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से ही समझ लेते हैं, तो क्या बुराई है ना। तो देखिए पहली चीज आपका जो रो क्या है, पंक्ति क्या है, आपको ये देखना है, और कॉलम क्या है ना। तो अगर हम बात करें रो की दोस्तों, तो अगर ऐसा साइन की हम बात करें कि आप जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे यानी ये तो आपकी ये कौन है, ये आपका है दोस्तों रो, ठीक है। और जब आपका साइन आपका क्या होगा कि आप ऊपर से आए ऐसे क्रम से, तो ये आपके क्या है दोस्तों, ये है कॉलम, ठीक है।
तो आपने देखा कि ये क्या है आपका पंक्ति और फिर ये क्या है आपका कॉलम है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्तंभ है, ठीक है। तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने क्रम से इस हिसाब से इसको लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसा अरेंज किया हुआ है कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे ये चीजें सारी पकड़ में आ जाए। तो नंबर वन पर क्या दोस्तों, रो, ठीक है। और रो के लिए हमें कैसे चलना है, ये है हमारी रो क्रम से, ये है पंक्तियां, और फिर जब बात आएगी कॉलम नंबर टू तो हमें कैसे चलना है, हमें ऊपर से सीधे नीचे की ओर चलना है, ठीक है दोस्तों। यानी मैं इसे अगर आप क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि पंक्ति अर्थात हमें कैसे चलना है, क्षैतिज चलना है, हॉरिजॉन्टल चलना है, और इसमें कैसे चलना है दोस्तों, कॉलम में वर्टिकल चलना है अर्थात ऊर्ध्वाधर चलना है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से रिटर्न करें और 1.5-2 मिनट की तो बात है, समझ लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रश्न कैसा होगा। तो देखें, एक निर्देश दिया होता है इस प्रश्न में, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन निर्देश में एक छोटी सी बात होगी जिसमें आपको गौर करना होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप एक इमेज देखेंगे और मैं पढ़ता हूं उसे, आप देखेंगे दोस्तों निर्देश में, और हमने अंडरलाइन किया हुआ है ना, निर्देश में क्या है कि भाई प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 या 1 से लेकर के 3 में नीचे 25-25 प्रकोष्ठ के साथ 2 आव्यूह दिए हुए हैं। 25-25 प्रकोष्ठ के साथ कितने आव्यूह हैं, 2 आव्यूह दिए हुए हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर यह है कि भाई प्रत्येक में वर्णमाला के 2 वर्ग हैं। हाँ, हमें पता है, हमें पता है कि भाई प्रत्येक में वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के 2 वर्ण हैं, मतलब वर्ग हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आव्यूह 1 में 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक जो है संख्याकृत हैं, ठीक है, कौन, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ जो है ये कैसे हैं, 0 से लेकर 4 तक संख्याकृत हैं। संख्याकृत मतलब वहां पर संख्या भरी हुई है, किसमें, आव्यूह 1 में, और आव्यूह 2 में क्या है, तो बोले 5 से लेकर के 9 तक, 5 से लेकर के दोस्तों, देखिए फिर से 5 से लेकर के 9 तक क्या है, संख्याकृत है, ठीक है। ये निर्देश है, निर्देश क्यों आवश्यक है, आप देखें अंडरलाइन वाले ब्लॉक पर आप ध्यान दीजिए, निर्देश में अंडरलाइन में लिखा हुआ है कि इन आव्यूह के वर्ण को प्रथमतः, यानी कि पहले उसकी पंक्ति संख्या तथा द्वितीयता यानी कि उसके बाद स्तंभ संख्या के आधार पर सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले क्या बोल रहा है कि पहले कौन, पहले पंक्ति और फिर कौन है दोस्तों, तो उसके बाद है स्तंभ। बात को आप समझिएगा, आपका सवाल कुछ इस हिसाब से होगा, ठीक है। निर्देश उतना आवश्यक नहीं है भाई, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, देखें स्टॉप STOP आपका लिखा हुआ है, आपको बस ये पकड़ना है कि ये जो S है, आपको ये देखना है कि ये जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग लिखी हुई है STOP, क्या ये जो क्रमांक है, क्या ये जो संख्याएं हैं, क्या ये संख्याएं इसकी कोडिंग है एक्चुअल में या नहीं है, इसे रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो आप। यानी अगर S बोल रहा है तो देखें, इसने कहा पहला क्या होना चाहिए, पहला रो का, यानी जो 7 है ये किसका है, आपको रो की ओर बढ़ना है, ठीक है। और 5 के लिए आपको कहां से मैच करना है, कॉलम से। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही आपने 75 देखा, 75, आप 7 किसको समझें, पहले वाले को, फर्स्ट वाला आपका क्या है, पंक्ति है, तो भाई पंक्ति से बढ़ो 7 की ओर। 7 कहां है, 7 आपने देखा ये है, ठीक है, 7 ये हो गया मेरा पंक्ति से, और फिर कौन है, 5, तो मैं 7 से आगे बढ़ूं और 5 से नीचे लाऊं, कॉलम में नीचे आऊं, 7 पंक्ति से आगे की ओर बढ़ूं और कॉलम में दोस्तों नीचे की ओर आऊं। और अगर 7 और 5 के उस मिलन वाले ब्लॉक पे, उस मिलन वाले प्रकोष्ठ पे, उस खंड पे यदि S है, तो इसका मतलब कि भाई कि यह क्या है, 75 S को रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो दैट्स इट, है ना। इसी तरीके से दोस्तों आपको STOP पूरा देखना है, और जहां पर जिस कूट में आपने देखा कि यह कूट या यह संख्या क्या कर रही है, एग्जैक्ट एक्चुअल स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं पर क्या होगा दोस्तों, आपका वह सही आंसर होगा। तो बस इतनी सी बात है, मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ 2 चीज आपको याद रखनी, पहली क्या कि आपका ये क्या है, रो है, और ऊपर से आते समय क्या है, ऊर्ध्वाधर में आपका कॉलम है। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि निर्देश में आपको ध्यान रखना है, निर्देश में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है जो हमने अंडरलाइन करके आपको मेंशन किया होता है, एक बार आप और देख लीजिए, है ना। इसमें क्या है दोस्तों, ये कई बार क्या करते हैं, सामान्यतः ऐसा होता है कि भाई पहला वाला ही आपका क्या होगा, रो होगा, और दूसरा वाला आपका कॉलम होगा, लेकिन कभी कभी पलट करके दे देते हैं, तो थोड़ा सा निर्देश में ध्यान देना है, वरना तो आंख बंद करके जैसे ही देखो आप ये कोष्टक, आप आंसर सॉल्व करना चालू कर दो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें करने के लिए मैं अब दूसरी बात अपनी आपके सामने रख रहा हूं, पहला तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि भाई इन्हें सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बातों को, सॉल्व करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अर्थात आपको इन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा कि भाई क्या 75 में ऐसे 7 ऐसे चले, 5 ऐसे चले, क्या ऐसे, फिर हम टी बोले 3 आप ऐसे जाएं और 4 ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आए, 3 में आप क्या करें, 3 पहला वाला क्या है, पंक्ति है, तो आप ऐसे जाएं, और 4 क्या है आपका, स्तंभ है, कॉलम है, तो आप ऊपर से नीचे की ओर आए, तो देखें कि टी बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हाँ भाई हम 3 से हमने ये चले और 4 से हम ये नीचे आए, तो हमने देखा 3 और 4 पे टी बन रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। तो आपको ऐसे ही देखना है, आप खुद बताओ
कि भाई जब ऐसे ही देखना है तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा स्मार्ट तरीका है ना, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये हर सवाल में जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये जो शॉर्ट आपके लिए कुछ चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन फिर भी यथासंभव भाई अगर हमें दूसरों से 2 सेकेंड भी कम लगा तो कहीं ना कहीं हम उन्हें लीड कर गए, है ना, ठीक है। और हमारी तो लड़ाई बस यही है भाई कि हमें क्या काम करना है, हमें 2-4 सेकेंड जल्दी से सॉल्व करना है, और ये समय जो है जो हमें इस सवाल में लगने वाला था हम कहीं और महत्वपूर्ण सवाल में वो समय अपनी दोगुनी अप्रोच के साथ लगाएं और सफलता को अर्जित करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या है आप देखिए। इसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया सबसे आसान बेसिक सी बात है, आप खुद कॉमन सेंस यूज करो कि भाई अगर ऑप्शन नंबर ए में 75 मुझे दिख गया है और 75 में इट मींस कि 75 में आपको 7 रो में जाना है और 5 कॉलम में आना है, तो 7 रो में जब हम जाते हैं और 5 कॉलम में आते हैं तो हम देखते हैं हाँ भाई एस वहां पर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी में भी हो रही है। इसका मतलब कि यदि हम पहले वाले को लेकर के चलें, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ना, अगर हम पहले वाले को लेकर चलेंगे तो भैया हमारा ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, बड़ी मजबूरी है, ऐसे में तो 2 यहीं पे सही हो गए, अब हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इसी में देखें 76 को देख रहे हैं, 76 को, तो 7 से आप आगे बढ़ेंगे और 6 से नीचे यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, बड़ी समस्या है भाई, अभी तक में 3 सही हो सकते हैं। चौथा देखो 6-7, 6 ऐसे जाना है 7 ऐसे आना है, 6 आप पंक्ति में गए और 7 नीचे आए, चलो यहाँ पे तो एफ है, मतलब ये नहीं हो सकता है। यानी दोस्तों आप क्या पा रहे हो कि अभी तक में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो भैया एक काम करो ना, क्या काम करो आप, काम ये करो कि भाई जहां पर आपको कॉमन कॉमन दिख जाए उन वालों को टच ही मत करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका आंसर 75 वाला ए हो सकता है तो फिर सी भी हो सकता है, तो समस्या है भाई, समय लग जाएगा चेक करने में। तो फिर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या है, जहां जहां कॉमन दिख रहे हैं वो मत करो, 8686 अभी मत चेक करो, उस वाले आप उसको भी चेक मत करो, ठीक है, 9999 इन दोनों को भी चेक मत करो। तो किसको उठाओ, जहां पर कॉमन नहीं है, कॉमन किस में नहीं है, कॉमन मैंने देखा कि इस वाले में कॉमन नहीं है तो इसी को उठा लो, ठीक है, उठाते हैं भाई 3-4 में कौन दूसरा वाला, यानी कि टी, ठीक है, हम 3 ऐसे जाएं 4 ऐसे आएं, 3 से हम गए दोस्तों और 4 से नीचे आए, टी मिल गया हमको, चलो ठीक है अभी ये हो सकता है। इसके नीचे 10-10 में टी मिलना चाहिए, 1 हम ऐसे गए ऐसे आए, ठीक है भाई टी मिल रहा है, 0-1 0 पहले और फिर 1 ई मिल गया, ये नहीं हो सकता, यानी कि सी भी नहीं हो सकता। और 4-3 दोस्तों, 4 आपका कैसे जाना है, ये आप गए और 3 नीचे आए तो आपने देखा डी है, 4 ऐसे गए और 3 ऐसे आए तो आपने देखा डी है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो कितना बढ़िया हुआ, कितना शानदार, हमारा जो है 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, हमने अभी पहले अपनी अप्रोच स्टार्ट की है और 2 डिलीट हो गए। तो बस इतना सा आपको काम करना है कि भाई जहां जहां कॉमन नजर आ रहा है उनको नहीं लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारी 2 से लड़ाई है, बस बात खत्म, अब हमको तेजी से क्या काम करना है भाई, अब हमने तो 7576 चेक कर ही लिया है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम 8669 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमने पाया कि या आप कुछ भी ले सकते हो, अब तो चेक ही करना है दोनों को, है ना, 99 ले लेते हैं भाई, पी आना चाहिए, तो 9 ये गए और 9 ऊपर से आए, पी बन रहा है, ये 9 जाने पे और वहां से 9 आने पे पी बन रहा है, मतलब कि ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 5-8 में देख लो कि 5 ऐसे जाए और 8 नीचे आए, हाँ भाई वहां पर भी हमको पी दिख रहा है, आप 5 ये गए और 8 है पी, अब इसको और चेक कर लो, 8-6 में ओ बनना चाहिए, तो हम 8 से गए और 6 से आए तो हमारा ओ बन रहा है, यानी कि अब भाई ये चारों हो ही रहे हैं तो यही आंसर होगा, दैट्स इट, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए हुआ। ज्यादा है तो 6-9 भी चेक करना तो आप कर सकते हैं, 6 आप ऐसे गए और 9 नीचे आई बन रहा है, दैट्स इट, मतलब ये आंसर नहीं है। ये हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं समझ रहा हूं आपको लग रहा होगा कि भाई यार ये तो टाइम लग ही रहा है, आप क्या बता रहे हो, तो बात को समझो, ये दरअसल में आपको समझाने के चलते समय लग रहा है, वरना यदि आप इसे करेंगे तो 2 गुनी रफ्तार से करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो दूसरा है आपके सामने फेस, FACE, आपको ये चेक करना है। अब हम क्या काम करें, हम यहाँ पे फिर से अपनी क्या करें, स्मार्ट अप्रोच अपनाएं, कैसी, कॉमन दिखे मत लो, ठीक है, 0-0 कॉमन दिख रहा है मत लो भाई, ठीक है, और कहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, और तो बहुत विशेष कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम उठा सकते हैं, कोई बहुत विशेष आपत्ति यहाँ पर नहीं है, कुछ भी ले लो आप, है ना। हमने कहा चलो ठीक है भाई लास्ट वाला ले लेते हैं, तो 0-1 पे ई आना चाहिए, 0-1 पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, 0-1 ई आ रहा है, ठीक है ये हो सकता है, 4-4 और 4 ई आ रहा है, ये भी हो सकता है, 4-3 4 और 3 डी आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यानी कि सी नहीं होगा, ठीक है, और 1-0 1-0 टी आ रहा है, यानी कि ई नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब फिर से देखें 2 डिलीट हो गए, अगर हमने ये वाला लिया होता तो अभी हम डिलीट नहीं कर पाते, अगर 0-0 में आ रहा होता तो फिर हमारे ये वाला भी अभी हमें और आगे बढ़ना पड़ता, उम्मीद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, आप कुछ भी उठा लें, अब आपकी इच्छा भाई, ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं, सी आना चाहिए 4-0 पे,
तो 4 और 0 पे सी आ रहा है, 0 0 पे सी आना चाहिए, 0 0 पे आ रहा है, चलो ठीक है भाई, 3 2 पे ए आना चाहिए, 3 ऐसे गए, 2 ऐसे आए, ए नहीं आ रहा है, 3 ऐसे गए, ये गए 3 और ये गए दोस्तों 2, ए नहीं आ रहा है, 3 2 पे ए नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ए भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप तनाव मत लीजिए, बहुत ही इजी है और एक सवाल से ज्यादा नहीं लगाना है ना, मतलब वीडियो के माध्यम से पर्याप्त है, आपका काम चल जाएगा, बन जाएगा आपका काम। अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से एक बार वीडियो देखें, और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी इस वीडियो को, है ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गुड की। गुड में हम क्या ले दोस्तों, यहां पर हम पाएंगे कि भाई 8 6 6 8 6 8 6 8, फिर हमने देख रहे हैं यहां पर भी क्या है 8 6 8 6, सब कॉमन है, इनको मत लो भाई, यहां पहले में और लास्ट में कॉमन नहीं है, हम लास्ट वाला ले लेते हैं डी। जैसे ही हमने दोस्तों डी लिया तो डी 4 3 पे आना चाहिए, यानी कि 4 ऐसे चलो और 3 ऐसे आओ, 4 ये गए और 3 आए, डी बन रहा है, मतलब कि अभी पहला वाला हो सकता है। फिर बात आ रही है 3 2, बी वाले में 3 ऐसे जाएं और 2 ऐसे, 3 ये गए रो पे, 2 ऐसे आए, तो बी बन रहा है, डी नहीं बन रहा है, मतलब बी नहीं हो सकता है। 8 9 चलते हैं दोस्तों, 8 आप रो में चले और 9 में उतरे, 8 से गए और 9 से उतरे, आई बन रहा है, मतलब कि अभी भी ये नहीं हो सकता है। देखिए बहुत बढ़िया, 2 डिलीट हो चुके हैं। और अब 7 7, 7 आप रो से गए, 7 आप कॉलम से आए, पी बन रहा है, यानी कि ये भी दोस्तों नहीं है। और अब आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये होता है एक तरीका, समझ रहे हैं आप, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिनाई नहीं है भाई, इतना आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स टॉपिक जो है आव्यूह कंप्लीट होता है, और इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली चर्चा होगी वो संभवतः आने वाले दिनों में जो है एक हमारे विविध सेक्शन से होगी, विविध की भी सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर विविध में, अभी हमने क्या क्या अध्ययन किया हुआ, तो अभी हमारा सबसे पहले था समाधि स्थल, समाधि स्थल के बाद दोस्तों हमने अध्ययन किया महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, उसके बाद दोस्तों हमारी चर्चा हुई है भारत रत्न के बारे में, और उसके बाद दोस्तों हमने अध्ययन किया हुआ है अपने विविध सेक्शन में भारत रत्न के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगी है, अच्छी लग रही है, ठीक ठाक आपकी पढ़ाई चल पा रही है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसे शेयर जरूर करें। शेयर दोस्तों, शेयर कहने का तात्पर्य यह होता है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को साझा करें, है ना, शेयर का मतलब यह नहीं होता है कि भाई हमने सिर्फ उठाया और कहीं पर भी एक जगह पर हमने भेज दिया, आप ऐसे व्यक्तियों को साझा करें, ऐसे अपने दोस्तों छात्रों, है ना, ऐसे मित्रों, अपने जो है रिलेटिव्स, उनको आप शेयर करें कि भाई जो पढ़ रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ना केवल पढ़ रहे हो बल्कि ऐसी जगह से पढ़ रहे हो जहां पर सुविधाएं नहीं हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पढ़ रहा है भाई, समझ रहे हैं आप बातों, कोई एक बड़े संस्थान में पढ़ रहा है, अब उसके पास तो सारी चीजें होंगी, तो उसे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति तक इसको पहुंचाएं जिसे वाकई में आवश्यकता है, एक्चुअल आवश्यकता है, जो उतना एफर्ट नहीं, भाई उसके पास है ही नहीं चीजें, उतने उसके पास साधन संसाधन है ही नहीं कि वो एक बड़े जगह में जा करके रूम रेंट दे पाए, वो भी आज के युग में, है ना, जहाँ पर वो अपना खाना खर्चा चला पाए, पारिवारिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ उतनी सुदृढ़ है ही नहीं। तो आप ये वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचाएं दोस्तों, ताकि उस बच्चे का, उस गरीब बच्चे का दोस्तों भला हो सके। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और यह वीडियो ज़रूर आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मुलाकात अगली वीडियो में, चलते हैं, है ना, बढ़िया रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।